नमस्ते जयपुर, जयपुर नामा अब आपके बीच। इस मंच पर कथा, पत्रकारिता, उपन्यास के दिग्गज हमारे साथ हैं। इनमें से किसी को भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम जल्दी से किताब पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष आ जाते हैं। जयपुर नामा पिछले साल आपने अंग्रेजी का संस्करण देखा और उस पर बातचीत भी सुनी, ऑनलाइन भी उसका सेशन काफ़ी पॉपुलर हुआ, लेकिन ये किताब अंग्रेजी में जितनी अपनी सी लिखी गई उतनी हिंदी में अपनी सी पाई गई। और आज मुझे लगता है जो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का जुमला है उसे हम उलट देते हैं, वी फाउंड द बुक इन ट्रांसलेशन। आज हमारे बीच इस किताब की वो लेखिका हैं जिन्होंने इस 16 साल पुराने स्वप्न को दुनिया के सबसे बड़े साहित्य महोत्सव के रूप में तब्दील कर दिया। जयपुर नामा में वो सब कहानियां हैं जो नमिता जी के जीवन के बिल्कुल आसपास हैं, जी हुई हैं, और सच कहूँ तो इस ये वो मसालदानी है जिसमें वो सारे मसाले हैं जिनको कॉम्बिनेशंस में बनाकर हम सभी प्रकार के छौंके और नुस्खे बना सकते हैं। पुष्पेश सर, आपको नज़र करते हुए छौंके। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नमिता जी से ही शुरू, कि जयपुर नामा जितना जीवन के पास है उतनी ही कठिनाइयों के पास भी है, लोगों के स्वप्नों के पास भी है। स्वप्न आते हैं, कुछ साकार होते हैं, कुछ टूट जाते हैं, और यही मेला उन सभी स्वप्नों का मेला भी है। ये अंग्रेजी में जब कैन यू हियर मी, तो अंग्रेजी में 2020 में जब ये निकली थी तो उसके ब्लर्ब में मानसी उसकी एडिटर ने लिखा था, टू द राइटर्स दैट लोनलीस्ट ऑफ ऑल ट्राइब्स। तो मुझे यही लगा कि जयपुर फेस्टिवल में इतने लोग आते हैं किताबों के बारे में सुनने को, समझने को, या मिलने को, इंटेलेक्चुअल दिखने को, जो भी कारण से आते हैं, पर जो लेखक होते हैं ना वो हमेशा थोड़े खोए खोए होते हैं। इतनी भीड़ भाड़ में कहीं साइनिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, ग्लैमर हो रहा है, पर लेखक के अंदर एक अकेलापन ज़्यादातर होता है। मुझे तो मतलब होंगे जिनमें नहीं होता है अकेलापन। और इसमें अलग अलग तरह के जो लेखक हैं, रुद्रानी राणा को देख के तो मेरा दिल टूट गया। आप लोग उनकी कहानी पढ़िएगा, देखिएगा। अगर एक कैरेक्टर मेरे दिल में रही तो अभी तक हैं, वो हैं रुद्रानी राणा, जो एक फेल राइटर हैं। उनके दिल में ये मैं तो आम जाए कि मैं किताब लिखूंगी, लिखी भी है, पर हिम्मत नहीं है किसी को दिखाने की, क्योंकि वो अपने आप को जीनियस समझती हैं, और अगर कहीं फेलियर आ जाए जीनियस के सामने तो। और दूसरे कैरेक्टर जो हैं हमारे राजू श्रीवास्तव, उनके बारे में आप पढ़ के ही समझेंगे, मेरे कहने में कुछ नहीं होगा, तो उनके बारे में थोड़ी रीडिंग भी हम करने वाले। तो यही सब पात्र जो हैं पुष्पेश जी ने और प्रभात जी ने हंसते हंसते रोते रोते उनकी कहानी हिंदी में बताई, और मुझे सौरभ जी बता रहे हैं कि उनको भी रोना हंसना सब ये सब। ये किताब हमारे साथ मंच पे जितने भी लोग हैं उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करण पढ़े हैं। अनुवादक पुष्पेश जी और प्रभात रंजन जी दोनों ही इस तरह से किताब को उन्होंने संभाला, और हिंदी में जो किताब शायद जिसकी आत्मा ही हिंदी की थी और उसको बस एक शरीर और उसके ऊपर जयपुर का चोला ये पहनाना बाकी था। मैं आती हूँ पुष्पेश जी के पास कि इस किताब से गुज़रना, और क्योंकि इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंसेस भी हैं, उनको कई तो ऐसे भी हैं जिनका हिंदी में कभी लिखा ही नहीं गया जिनके बारे में, तो उनको संभालना अनुवाद की दृष्टि से कितना आसान या कितना मुश्किल था? नहीं, मैं शुरू में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि किताब को संवारने का काम प्रभात भाई ने किया है, उसको अनुवाद को बिगाड़ने का काम जो था वो मेरा था। और मुझे लगता है कि जो इस अनुवाद के सिलसिले में मेरा अनुभव था कि हिंदी का मुहावरा कि नानी मर जाती है, तो वो नानी तो दिवंगता बहुत पहले हो गई थी, मगर इस किताब के अनुवाद में मेरी नानी ज़रूर दोबारा उनका देहांत हो गया था।
मुझे लगता है एक बात जो उस किताब के बारे में कहना चाहूँगी, नमिता ने उसका उल्लेख किया, एक शेर है उर्दू का, हसरत तो उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। इसमें रुद्रानी राणा वो लेखिका हैं जो अप्रकाशित लेखिका हैं, और मुझे लगता है कि राजू हैं वो भी एक ऐसे जिन्होंने स्वप्रकाशित हैं और प्रकाशन का कारोबार उन्होंने शायद आपसे बेहतर संभाल लिया था कबाड़ खाने के दरवाजे में। एक और छोटी सी बात, समय का अभाव है, कुछ रीडिंग आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एक बात मुझे और लगती है कि ये किताब न केवल जयपुर जलसे के नाम प्रेम पत्र है, ये नमिता के समग्र लेखन को समझने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कहीं कैंची का आश्रम आता है, कहीं काशीवास आता है, कहीं एलन गिन्सबर्ग आते हैं, कहीं पहाड़ आता है, कहीं चर्सी हरेराम हरे कृष्ण वाले आते हैं। तो मेरे ख्याल में जो कथा सूत्र कुछ राग पहाड़ी में छूटते हैं, कुछ हाउस ऑफ शेडोज़ के हैं, कुछ पहाड़ी गण देवता लोक देवता आते हैं, मुझे लगता है ये अपने आप में कई परतों वाला उपन्यास है जिसके साथ न्याय तभी होता है जब आप पढ़ें इसे। बिल्कुल सही सर। सौरभ द्विवेदी जी से तो हम सब वाकिफ हैं, किताबों के सैलाब के बीच में रहते हैं। इनका दफ्तर मैंने देखा है, उसमें किताबों के टीले नहीं हिमालय हैं बहुत सारे। और उस बीच जब जयपुर नामा अंग्रेज़ी ये पढ़ रहे थे और अब जब हिंदी का संस्करण आ रहा था, तो हमें लगा कि सौरभ से ज़रूर हमें पूछना चाहिए कि अंग्रेज़ी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेज़ी, भाषाई तौर पर हमारे सरोकार जयपुर साहित्य उत्सव और ये पुस्तक कितने समीप है। ये आदमी के लिए लगभग वायवा जैसा माहौल होता है जब उसके दाईं तरफ उसके प्रोफेसर बैठे हों और बाईं तरफ वो महिला बैठी हों जिन्होंने हम सब की आंखों में ऐसी ही हरारत भरी एक दोपहर की खबर देते हुए एक हसरत का बीज बोया था। JLF एक जादू जैसा है और हम सब के यहाँ आने की वजहें बड़ी अलग अलग हैं। सबसे पहले तो इसलिए आना होता है क्योंकि तमाम नामचीन लोग यहाँ आते हैं, तमाम वोक लोग यहाँ पर आते हैं, हैप कूल किस्म के लोग, या नितांत बुंदेली लहजे में कहूँ तो कतई इंग्लिश पिक्चर किस्म के लोग यहाँ आते हैं, जिनके पास किताबें पढ़ने का शऊर तो होता ही होगा, ये भ्रम मैं बनाए रखूँ, पर जिनके पास दुशाले, अंगरखे, बहुत सुंदर किस्म के कोट और जनवरी की जयपुर की सुबह में की जाने वाली तमाम ज़रूरी चीज़ें जैसे चश्मे को रखने का एक सुंदर केस, एक अच्छा खुशबूदार लिप ग्लॉस, और ये भी कि दूसरे उस नफासत को बाकायदा नोटिस भी करें उनके बिना अश्लील हुए और इसको बिना प्रकट किए, और अगर आप ना करें तो आप निरे गंवार हैं। पर ये इकलौती वजह नहीं है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आने की, क्योंकि जिन देवी जी का यहाँ जिक्र हो रहा है बार बार, रुद्राणी राणा, और जिन देवी जी का जिक्र होना चाहिए अनुरा, ये दो पोल हैं जिनके बीच JLF की ज़िंदगी बसी है। अनुरा एक लड़की है 15-1 बरस की जो पहली मर्तबा JLF आई है, उसको एक अति युवा लोगों के सत्र में 7 मिनट मिले हैं अपने हिस्से के, और रुद्राणी राणा एक ऐसा खद्दर का झोला लिए हैं जिसको जितनी दफ़ा वो छूती हैं उन्हें लगता है कि वो अपनी पालतू बिल्ली के जिस्म पर हाथ घुमा रही हैं, और उसके भीतर जादू है क्योंकि उसके भीतर जिल्द में एक किताब है जो प्रकाशित नहीं हुई। और मुझे पूरा यकीन है कि हैशटैग संप्रदाय वालों को छोड़ दें तो हम सब लोग वो झोला लेकर यहाँ आते हैं, हम सब के हिस्से एक कहानी है, एक किताब है जो पब्लिश नहीं हुई है। जयपुरनामा आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल ब्रह्म को समझाने वाले, निर्गुणियाँ गाने वाले किसी कबीर की तरह, कि आप एक ही समय में सब्जेक्ट भी हैं और उसको निरखने वाले भी हैं, क्योंकि कोई रुद्राणी राणा है जो यहाँ बैठी है बोर हो रही है बिल्ली या ऊँट की शक्ल वाले किसी कार्ड पर किसी लेखक को भद्दी गालियाँ या सराहना लिखने की तैयारी कर रही है, कोई है अनिर्वाण जो दूर बैठा है और उसका स्केच बना रहा है, ये सब जादू हो रहा है। वो एक महान ग्रंथ रचा गया था सेलुलाइट पर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें महान दार्शनिक रामधारी सिंह कहते हैं ना कि सबकी फिल्म चल रही है, तो जयपुरनामा ने उन तमाम किरदारों को
एक ज़मीन पर लाने का काम किया। और मज़ेदार बात यह है कि जो चीज़ हमें JNU जैसी जगहों पर आकर्षित करती थी कि सिरा कहीं से शुरू होता है और कहीं पहुंचता है ज़िंदगी की तरह, और ज़िंदगी के भी पहले ठिटके रफ ड्राफ्ट की तरह, जिसमें मेन कॉलम से ज़्यादा जगहें और काम की चीज़ें हाशिए पर लिख दी जाती हैं आड़ी तिरछी राइटिंग में। आप इस किताब को पढ़िए। मैं एक शो होस्ट करता हूँ किताब वाला, उसमें हमने अंग्रेज़ी का जब अंश आया था, एडिशन आया था, तब बात की थी। मैं आपको अपने हिस्से के यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैंने, और इसमें कोई महानता नहीं है, मैंने अरसे के बाद हिंदी में कोई उपन्यास पूरा पढ़ा है, और इसके किरदार मेरे साथ रहेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि अगली दफ़ा भी JLF में नमिता गोखले हमको बुलाएं, क्योंकि एक टाइम के बाद आप उसके पार चले जाते हैं, आपकी ज़िंदगी हैशटैग और लाइक से आगे चली जाती है। इसलिए पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम होता है कि बेध्यानी में आप अपने हिस्से के सफ़र पर निकल सकें, अपने इर्द गिर्द के किरदारों को और थोड़ा ठहर कर देख सकें, क्योंकि ज़िंदगी रील्स के 12 सेकंड नहीं है। ज़िंदगी रील के 12 सेकंड बिल्कुल नहीं है, और बहुत से ऐसे किनारे हैं, बहुत से ऐसे क्षितिज हैं जिन्हें हम छूना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। उन सभी के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी शुरू होती हैं, और उन कहानियों को गौर से, नज़दीक से बाँचने वाले आलोचक भी हमारे बीच होते हैं, जैसे प्रभात रंजन। और उनकी अनुवाद की कला, आलोचना की कला से हम सब वाकिफ़ हैं। हिंदी में जानकीपुल शायद सबसे पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बना था जहाँ पर किताबों के बारे में कुछ मौजू, कुछ मज़बूत बातें हुआ करती हैं। तो प्रभात जी, जैसे कि पुष्पेश्वर ने कहा कि संवारने का काम इस अनुवाद को आपने किया, तो आपकी अनुवादक की कहानी हम ज़रूर सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। ये तो पहली बात मैं ये कह दूं कि पुष्पेश जी ने ये कहा कि मैंने अनुवाद किया, इन्होंने उसको बिगाड़ने का काम किया, मैंने संवारने का काम किया, ये इनका बड़प्पन है युवाओं में। इसीलिए बहुत लोकप्रिय हैं पुष्पेश पंत, क्योंकि वो युवाओं को अपना श्रेय देते रहते हैं। मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक बात यह है कि जब मैंने 2020 में जयपुर जर्नल्स खरीदा था तब और पढ़ा था, तब मैंने कहीं से ये नहीं सोचा था कि मुझे कभी इसके अनुवाद के काम से भी जुड़ना पड़ेगा। अनुवाद पुष्पेश जी ने ही किया है। मैंने उसको पढ़ते हुए, उस अनुवाद में पढ़ते हुए, उसमें खोते हुए, उसमें कुछ अपनी बातें जोड़ने का, कुछ अपने शब्दों को जोड़ने का काम किया है। ये उपन्यास अपने आप में, देखिए, अगर लेखन को अपने आप में हम एक राष्ट्र माने, एक राष्ट्रीयता माने, तो उसकी राजधानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है ये, और उसको ये उपन्यास एक ट्रिब्यूट दिया गया, ट्रिब्यूट के रूप में लिखा गया है। और जैसा कि सौरभ जी ने कहा कि एक जादू है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उस जादू को डिमिस्टिफाई करने का काम ये उपन्यास, सिर्फ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में नहीं है, जयपुर में लेखक जो जुटते हैं, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इसका सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु है, जो लेखक जुटते हैं। और सचमुच में जितने अकेले वो लेखक दिखते हैं, चाहे वो सफल लेखक हों या रुद्रानी राणा जैसे एक ऐसी असफल लेखिका हो जो जिनकी किताब मरणोपरांत आखिरकार प्रकाशित हो जाती है, अनुवाद करते हुए मैं सच बताऊँ अदिति जी, तो रुद्रानी राणा की कहानी के साथ में बहता चला गया, और जब अंत में उनका एक बिल्कुल अकेले एकांत में उनका देहांत होता है, एक एक्सीडेंट में जब उनका देहांत होता है, मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मैं भी एक लेखक हूँ, एक मनुष्य हूँ, और उस कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया। सिर्फ उसकी की नहीं, गायत्री की कहानी है जो कहती है कि ज़िंदगी में किताबों के अलावा भी बहुत कुछ होता है, या जया मनकोटिया की कहानी है, या उसकी कहानी जो आध्यात्म की बनारस और आध्यात्मिक दुनिया की ओर निकल जाती है। इतने सारे किरदारों, इतनी सारी कहानियों, इतनी सारी पीढ़ियों को एक साथ देखना और उसको अनुवाद में उसी सरसता के साथ बांध के हिंदी में ले पाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था, जिसको पुष्पेश जी ने संभाला और मुझे, मेरा हौसला बढ़ाया, जिससे मैंने एक काम संवारने का काम, जिसे आपने कहा। ये बात तो सही है कि पुष्पेश जी दो नहीं तीन पीढ़ियों में बहुत पॉपुलर हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि भाषा श्रेय चटकारे हम जो भी बोलें
ये अभी अभी वोटिंग के राइट्स पाए हैं, 18 के हुए हैं, और आप इनको कितना पुराना आदमी साबित कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले उठा के ले जाएं। मेरा सवाल दरअसल अब नमिता जी की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा गंभीर सा सवाल है, लेकिन करना चाहती हूँ आपसे कि आप लेखक भी हैं, प्रकाशक भी हैं, संपादक भी हैं, ये तीन बहुत अलग किस्म के किरदार हैं और अलग किस्म के इनकी डिमांड्स हैं। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा सहज कहाँ पाती हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति में पड़ा हुआ कहाँ पाती हैं? आई डोंट नो, मतलब कहीं मैं अपने आप को पहले लेखक समझती थी, पर जो अपनी ज़िंदगी लेखक बन के जिए उनमें एक डिस्टेंस आ जाता है। हम हर समय देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं, और कहीं मुझे लगा कि वो मुझे छोड़ देना चाहिए वो एक्सरसाइज। अब मैं एंथोलॉजी लिख रही हूँ, फिक्शन वालों के साथ ऐसा होता है, मुझे लग रहा मैं फिक्शन लिख ही नहीं पाऊँगी इसके बाद, मालूम नहीं क्यों कुछ बदल गया है अंदर। और प्रकाशक आई डोंट नो, मतलब मैं इन तीनों में कुछ भी नहीं हूँ आजकल, कुछ नई नमिता गोखले निकलेंगी कभी ना कभी। बहुत खूब, बहुत खूब। सौरभ आपके पास आ रही हूँ, एक अनुरोध है कि क्या किताब के कुछ पुस्तक अंश आप पढ़ दें जो आप कहें। जी सर, हालांकि इस किताब में एक बहुत कमाल का किरदार है जिसका नाम राजू श्रीवास्तव है, उसका कॉमेडी के काज से कोई लेना देना नहीं है, दरअसल उसका नाम बेताब है और सबसे बड़ा जादू JLF में उसी के साथ घटता है, और उसी के बहाने हमारे वक्त के जो सबसे गंभीर किस्म के मजाक हैं जिनको राजनीति भी कहा जाता है, उन पर सबसे सटल ढंग से टिप्पणियां की गई हैं, और हमारा वक्त हमारे लिखे में दर्ज हो ये बड़ा ज़रूरी है, हालांकि भूलने के बहाने बहुत मौजूद हैं। जी मैं थोड़ा सा आपको इस एक पन्ने को पढ़ने से पहले इस पन्ने तक कैसे आए ये बता दूं। तमाम किरदार हैं जो JLF आ रहे हैं, उनमें से एक किरदार है जो एक बेहद प्राचीन किस्म के रोजगार में है जिसका नाम चोरी है। अब साहब रोजगार पे बात करना जरूरी है, बेरोजगारी पे बात करेंगे तो कोई नाराज हो सकता है, पर उसके भी अदृश्य थैले में एक किताब है, और एक किताब है जो 8 नवंबर 2016 के महाऐलान के बाद अस्तित्व में आई, क्योंकि सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद करना था, और हर कोई तो ज्वेलरी की दुकान तक जा नहीं पाया उस रात, बहनों भाइयों। तो अब उस किताब की कहानी है, उस आदमी के बनने की कहानी है जो उसके बाप के हिसाब से टेलर बनना चाहिए था, पर उसको शब्दों की तुरपाई में ज़्यादा मज़ा आता था। उन्होंने किताब पर कड़ी मेहनत की, उसे अपनी आशाओं और भावनाओं को मिलाते हुए। वे रात रात भर बेहद मीठी चाय पीते हुए उसके ऊपर चर्चा करते। उन्होंने किताब का नाम वक्त चोर रखना तय किया। उन लोगों ने उर्दू फॉन्ट नस्तालिक डाउनलोड किया और किसी को टाइप करने के काम पर रखा। दादा ने किताब के लिए ISBN नंबर तैयार किया। शायर के लिए राजू श्रीवास्तव बकवास नाम है, दादा ने घोषणा की। मैंने इसी नाम के एक कॉमेडियन को TV पर देखा है, मैं अपना नाम रजी खान सिंह रख लेता हूं, बेताब ने जवाब दिया। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों नाम है और सुनने में शहाना लगता है। किताब का पहला संस्करण 1000 प्रतियों का था। हैरानी की बात थी कि किताब पूरी तरह से वैधानिक तरीके से बिक गई और उर्दू की 2 प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उसकी समीक्षा भी प्रकाशित हुई। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे नियति ने बेपरवाही से सब कुछ पहले से तय कर रखा हो। राजू के पास वो पैसा जमा था जो उसने गुणवंती देवी से चुराया था, जिसने अर्जुन सिंह का पैसा छिपा रखा था, जिसने अपने रिश्ते के भाई का माल छिपाया था, जिसने बिल्डरों और उनके दलालों को ब्लैकमेल किया था, बदले में जिसने कमजोर इमारतें पुल आदि बनवाए जो जल्द ही गिरने वाले थे। ये एक तरह से जीवन वृक्ष जैसा था।
सभी बुरे कर्म शब्द की सत्ता से रूपांतरित हो गए, छपे हुए शब्दों की सत्ता से, आभासी दुनिया की सत्ता से, वो पैसा रूपांतरित होकर टैक्स चुकाकर कमाए गए धन में बदल गया। राजू चोर ने बेचैन रूह के शायर रजी खान सिंह बेताब को जगह दी और एक नए अफसाने का जन्म हुआ। और अब वो यहाँ था लिटरेचर फेस्टिवल में, आने वाले कल के सपने देखता। अब वो जावेद अख्तर साहब के लिए अपनी किताब छोड़ जाएगा, या तो उनके कमरे में या होटल के रिसेप्शन पर, पूरे अदब के साथ अपने दस्तखत में। इसमें एक और बात मैं जो बता दूं कि ये जो दादा जिक्र जिसका आ रहा है, जिन्होंने किताब छापी है, मूलतः वो कबाड़ी का काम करते थे। शब्दों के सौदागर हैं, चाहे कबाड़ी हो चाहे प्रकाशक हो। देखिए, एक प्रकाशक ही अपने ऊपर ये जोक क्रैक कर सकता है, ऑथर ये जरूरत ना करे, ये वैधानिक चेतावनी। सच्चाई है हमारे जीवन की। पुष्पेश सर, इस पूरी किताब में बहुत सारे लैंडस्केप्स भी हैं, इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें जयपुर भी है, इसमें दिल्ली भी है, और अंतर्राष्ट्रीय खेमे भी हैं। यहाँ पर सब कहानियाँ ये किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है यहीं तैर रही हैं हमारी आंखों के सामने, और इतने विश्व भ्रमण करती हुई आई कहानियाँ जब एक किताब में आ जाएं। फिर से अनुवादक के तौर पर मैं आपसे दोबारा पूछूंगी कि इन कहानियों को सबको साथ में लाना, भाषा में एक बांधना। अभी सौरभ ने एक अंश पढ़ा, बहता चला गया, कितनी खूबसूरत भाषा। इस किताब का सबसे बड़ा आकर्षण यह है, इतने परतों पर है कि फतेहपुर सीकरी का 100 परत का पराठा है कि आप इसको किसी भी पात्र को देखें। अब जैसे अनुरा का इन्होंने जिक्र किया, अनुरा के साथ उसका किशोर मित्र भी आता है, जो जब भाषण देता है तो उसके खिलाफ अंधभक्त खड़े होकर एक लगभग सांप्रदायिक दंगे की स्थिति तैयार कर देते हैं। इस तरह के कई संकट नमिता जी ने इस जलसे के वास्तविक आयोजन में झेले हैं, मगर जो नज़र है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उस किशोर और किशोरी का है जो आने वाले हिंदुस्तान में जिंदा रहेंगे। रुद्राणी का देहांत बहुत करुण परिस्थितियों में होता है, राजू हम मानते हैं पनपता रहेगा, दादा सदरंगानी पनपेंगे, मगर मेरा दिल अटका रहता है उस अमेरिकी महिला पर जो सन 68 में आई थी हरे राम हरे कृष्ण के ज़माने में, और कैंची के आश्रम में गई थी जहाँ दो चर्सी अमेरिकन अपने गिटार के संग हरे रामा हरे कृष्णा गा रहे होते हैं, फिर वो ठंडे में पानी भरने उन विधवाओं के संग जाती हैं माताएँ हैं, और फिर लौटती है 2-3 दशक के बाद। तो तब उसके जो भीतर चल रहा है, देश बदला है, दुनिया बदली है, मगर उसका भारत प्रेम कहीं अटका हुआ है। वो गिन्सबर्ग को याद कर रही है कि अब मैं मणिकर्णिका घाट पर नहीं आऊँगा, अब मैं काशी दोबारा नहीं आऊँगा। तो अभी तो मुझे वो स्थिति नहीं आई है, मगर इस किताब को पढ़ते वक्त मेरी गला तब भरता है, अब मैं क्या क्या नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है इस किताब के अनेक सुख हैं, उसका अनुवाद करने के कष्ट भी अनेक हैं जो इन्होंने। बट पुष्पेश, एक बात बताऊं, जो स्त्री की आपने बात की ना, शायद आपको यहीं मिल जाए कहीं। हाँ। क्योंकि वो मैं मिली थी उनसे यहाँ। हाँ, बिल्कुल। और वो इस साल आई हैं। अरे वाह। तो मैं आपको मिलाऊंगी और बताऊं, उनको नहीं बताऊंगी। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है किरदारों को अमर कर देने की ये जो गुत्थी जयपुर नामा ने सुलझा दी है, मुझे लगता है ये सबसे सुंदर तोहफा है उन सभी साहित्य उत्सवों के लिए जो जयपुर से सीख कर आज भारत में लगभग 300 से अधिक साहित्य उत्सव बड़े छोटे हर स्केल पे हो रहे हैं। तो वो सारे किरदार, वो सारी कहानियाँ कितने प्यार से एक किताब में आ सकती हैं। आई थिंक थैंक यू सो मच मैम फॉर जस्ट गिफ्टिंग इट टू एवरीबॉडी। मैं कहूँ थैंक यू, फर्स्ट थैंक यू टू यू और फिर प्रभात जी को, और सबसे ज़्यादा पुष्पेश को। पर पुष्पेश से कोई किताब निकालना बहुत मुश्किल है। राज इसका ये है कि पुष्पेश इज़ माई कज़न, तो मेरा हक है पुष्पेश के ऊपर उनको तंग करने को। जी सौरभ, ये एक अंश है जिस किरदार का जिक्र हो रहा, बड़ा अद्भुत है, अगर आपकी इजाज़त हो। और जी बिल्कुल इरशाद। अमेरिका बदल चुका था, भारत भी बदल चुका था, फिर भी भारत राग उसके अंदर वैसे का वैसा था, वो धुएं की तरह से घुसा था और उसकी सांसों में रह गया था, उसकी नज़र में जो थी उसमें। अगर आप सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके बालों में फूल लगा हो,
वो इस गीत को गुनगुना रही थी, उस गीत को जो वो कसम खाकर कह सकती थी कि भूल गई थी, या जिसे उसने दशकों से याद नहीं किया था और गाने के बारे में भी नहीं सोचा था। बालों में फूल लगाए साधारण लोग, कहाँ चले गए सीधे सच्चे लोग। इस फेस्टिवल में कुछ ऐसा था जो उसको उन दिनों की याद दिला रहा था, यादों को जगा रहा था, ये इस बात की भी याद दिला रहा था कि यादें कितनी क्षणभंगुर हैं, समय बीतने के साथ हर चीज़ की यही नियति होती है कि वे जो कभी होते हैं उसके उलट हो जाते हैं। लेखकों के लाउंज में गेंदे के फूल टंगे थे, इसकी गंध को वो भारत से जोड़कर देखती थी, बनारस से जोड़कर, उस समय उसके जो गुरु थे और घाट पर जलती चिताओं की, जहाँ वो उनसे आखिरी बार मिली थी। जाहिर है कि वो इस बात को समझती है कि ये सब गड़बड़ झाला था, एक भ्रम और अपने साथ खेला जाने वाला एक खेल। जितने भारतीय थे उतने भारत थे, सबके अपने अपने रहस्य थे और अपने अपने विरोधाभास। फिर भी इस बदलाव के कारण, खौलते गुस्से के कारण, तनाव के कारण, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ छल हुआ हो। जब उसकी यात्रा पुस्तक द इनर आई का पहली बार प्रकाशन हुआ तो उसने अपने आप को हिंदू कहा था, भारत माता की बेटी। ऐसा लग रहा था जैसे सौतेली माँ ने उसकी जगह ले ली या उसको गोद लेने वाले पिता ने। इस फेस्टिवल में ऐसा बहुत कुछ था जिसने उसको दूसरे भारत में पहुंचा दिया था, दिमाग के मेले में। डिक्की पैलेस में आकर उसको वो सब याद आ गया जो उसके दिल में कभी पुराना नहीं पड़ा था, जिसमें विरोधाभासों की मासूमियत बाकी थी, अतीत का अनुभव याद आ रहा था, यादों के जाले उलझे थे, लेकिन बदलाव आया और सब कुछ बहा ले गया। एकांश प्रभात जी भी हमारे साथ साझा करना चाह रहे हैं। अदिति जी की इजाजत से, अब इन्होंने अन्ना वाइल्ड की एकांश पढ़ा, इतना खूबसूरत अंश था, इतनी जल्दी सौरभ जी ने चुन भी लिया और पढ़ा भी। अब मैं भी एक किरदार की इस पूरे इतनी देर से चर्चा हो रही है, इस उपन्यास में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार अनिर्बन एम है, जो एक ग्राफिक, जो रेखा चित्र बनाता और ग्राफिक नॉवेल लिखता है, और उसका एक अंश मैं सुनाना चाहूँगा। उससे एक मेरा कनेक्शन ये भी है कि वो अकेला इस उपन्यास में किरदार है जिसका संबंध बिहार की राजधानी पटना से है, मेरे राज्य से है। तो मैं उसका एक छोटा सा अंश पढ़ता हूँ। अनिर्बन एम अंदर ही अंदर सिहर रहा था। उसका भाई चिंतन बनर्जी आंकड़े और आर्थिक विकास का सच विषय पर बोलने वाला था। यह मुक्त संसार था लगभग, या होने ही वाला था, लेकिन चिंतन जो पहले वामपंथी आदर्शवादी था, जो अब व्यावहारिक दक्षिणपंथी हो गया था, वह इस बात से सदमे में आ गया था। अनिर्बन जब बच्चा था तो वह चिंतन को अपना हीरो मानता था। वे देश भर की फौजी छावनियों में साथ रहे, साथ खेले, कानपुर, अंबाला, रानीखेत में। उनके पिता का ट्रांसफ़र होता रहता था। चिंतन हार्वर्ड में पढ़ने चला गया था। अनिर्बन ने वह मार्ग चुना जिसके ऊपर कम लोग चलते थे। उसने डांस का कोर्स किया, फिर लंदन जाकर डिजिटल कम्युनिकेशन में कोर्स किया। उसके बाद उसने एक साल शांति निकेतन में बिताया, और उसने जो राह चुनी थी उसको लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। सेक्स को लेकर, अपनी प्राथमिकता को लेकर वह चिंता में रहता था, अपने राजनीतिक रुझानों को लेकर परेशान रहता था। ग्राफिक उपन्यासकार के रूप में अनिर्बन की सफलता आई स्पाई नाम से गुमनाम स्तंभ लिखने में उसको जिस तरह से सफलता मिली, उससे खुद अनिर्बन भी हैरान था। उसका एक एजेंट था जो उसकी प्रतिभा में बहुत भरोसा रखता था। किताबों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने से उसकी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी, और दुनिया में उसका अपना एक मुकाम था। उसमें किसी तरह की महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन उसको यह बात समझ में आ गई थी कि वह सफल इंसान था, भले ही बहुत सफल न हो। वह लगभग हर साल जयपुर फेस्टिवल में आता था, लोगों के भीड़ के बीच में रहने और किताबों की दुनिया में खो जाने के लिए। धन्यवाद। मुझे लगता है अब इसके साथ हम अगर ऑडियंस से कुछ सवाल ले लें, और जब तक वो सवाल हम तक आ रहे हैं, मैं एक सवाल नमिता जी आपसे और पूछ लेती हूँ। आज तो आपको लेखक के रूप में आप मुझे मिली हैं, ये आपका एक घंटा, तो मैं तो आज इसका भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी। जयपुरनामा में हर किरदार ऐसा लगता है कि दो किस्म की दुनियाओं में जी रहा है, कुछ बाहर कुछ अंदर। अंदर का जो लैंडस्केप है, आप इतनी बारीकी से उसको पकड़ती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर साल जयपुर में इतने लोग आते हैं, और आप कितनी व्यस्त रहती हैं पूरे साल इसको प्रोग्राम करने में, एक एक चीज़ पे ध्यान देने में, ये हमने नज़दीक से देखा है, आपसे सीखा है।
अंदरूनी इमोशनल लेवल पे क्या चल रहा है किसी किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो जिस जो अपनी पांडुलिपि प्रकाशित कराना चाह रहा है या जिसको कहीं ना कहीं कोई ब्रेक चाहिए, जो सेल्फ पब्लिश होके आगे आ रहा है, आप कैसे उसके पास तक पहुंचती हैं? जब मैं फेस्टिवल में पहुंचती हूं, मैं सेशंस में इतना ध्यान नहीं देती हूं, मैं ऑडियंस को देखती हूं, मैं अभी भी बैठ के देख रही हूं कौन कैसे सुन रहा है, उनके विचार उनके सपने कहीं मुझे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है, मुझे खुद नहीं मालूम। और जब मैंने किताब लिखना शुरू किया तो वो बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में भी है जो स्टेज में हम जैसे बैठ के अपनी फिलॉसफी फेंक रहे हैं शशि थरूर के भी वो शब्द, मगर इतनी भीड़ भाड़ में ये लोग, हम सब लोग जो यहाँ आते हैं काफ़ी कष्ट झेलते हैं, कोई इट्स नॉट अ जोक। पहले समय निकालना अपने जॉब से, अपने घरेलू छुट्टी लेके आते हैं लोग, आप सब लोग आए हैं, आप सब लोग क्यों आए हैं, कुछ नई नई खोज में आए हैं, कुछ अपने आप को खोजने आ रहे हैं, कुछ अपनी किताबों को खोजने आ रहे हैं, कुछ अपने माइंड को एक्सपैंड करने आ रहे हैं। तो मुझे इसमें सबसे बड़ा जादू यही लगता है कि इतने लोग जो यहाँ आते हैं वो इतने स्वच्छ मन से आते हैं, वो कोई स्वार्थ से नहीं आते हैं ना, इसलिए तो दिस इज फॉर द ऑडियंस। और हमारे जो मुझे 16 साल में जो सौभाग्य रहा है कि इतने लोग आके, हम साल भर आप भी मेहनत करती हैं, हम सब लोग ये फेस्टिवल में मेहनत करते हैं, पर जब उसको जो जागृत करते हैं वो तो यही लोग हैं जो, इट्स नॉट अ पैसिव ऑडियंस, जैसे अखबार वगैरह रेडियो भी कोई सुने तो पैसिव है, पर ये फ़र्क है क्योंकि वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इसीलिए शायद इस किताब को आपने दुनिया के सबसे बड़े साहित्य जलसे के नाम एक प्रेम पत्र की संज्ञा दी है। ओवर टू यू, ये आप ही को समर्पित किताब है, आप ही के लिए है, आप ही में से कहानियाँ उठ के इस किताब तक पहुँची हैं, कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो ज़रूर। पहले राम प्रताप जी, दिगी जी, जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले राम प्रताप जी का स्वागत, क्योंकि दिग्गी पैलेस जहां पर जयपुर शुरू हुआ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। नमिता जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, वैसे तो ये बिकॉज मैं भी इस सारे का एक पार्ट, फेस्टिवल जब आया था एक छोटा सा बच्चा था, आज बड़ा होके ये पूरी दुनिया में घूम रहा है और अपन सबको गर्व है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वैसे तो आप लोग जो यहाँ बिराजे हैं मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, परसेप्टिव ज़्यादा हैं, पर इस फेस्टिवल में बड़े से बड़ा आदमी भी अगर आता है तो वो इस फेस्टिवल की जनता के साथ मिलके उसका भी एक ऐसा पहलू सबके सामने आता है जो बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाला है। ये मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, और ये स्पेशली नोबल लॉरिएट पुएलो कोएलो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, गुरने जो भी है, हाँ, तो हमको ये बोला गया था कि साहब इनसे इन कोएलो, तो हमें ये सबको बोला गया था ये बहुत रेटिसेंट आदमी है, इनके पास कोई मत जाना। तीसरे दिन मैंने उनको देखा कि वो 20 बच्चों के साथ बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। तो ये फिनोमिनन जो है ये कैसे होता है ये आप बुद्धिजीवी समझा सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि डिगी पैलेस में शुरू से हमने वीआईपी पना रखा ही नहीं था, आपको याद है वसुंधरा जी, जी आपको भी नमस्कार, वसुंधरा जी आती थी वहाँ तो उनके लिए कुर्सी नहीं होती, तो एक दो लोग उठते, तीन लोग उठते, पर वो घास में आके बैठ जाते हैं आगे और बैठने देते उनको लोग। तो वी आर इक्वल एज रीडर्स, वी आर इक्वल एज राइटर्स, वी आर इक्वल। तो अगर यहाँ हम ये कर पाएँ, जितने दिनों कर पाएँ, हाँ ज़रूर कई दिनों कोई हैरार्की आ जाती है, पर यहाँ नहीं है, अब क्यों नहीं है पता नहीं, कितने दिनों हम इसको संभाल पाएँ इस बात को। ये संभली रहेगी, ये धरोहर है, सबसे बड़ी धरोहर है। एक सवाल पीछे और आगे भी है, जी जी जी, मनीषा जी को दे दीजिए, मनीषा कुलश्रेष्ठ, इनका पहले आया था। अच्छा, ओके, मैं पूछूँ?
जी नमिता जी के बहुत सारे उपन्यासों के हिंदी अनुवाद मैंने पढ़े, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि वो हिंदी के उपन्यास नहीं है। तो मेरा सवाल नमिता जी से है कि क्या आपको लगता है कि भारतीयता जब उपन्यासों में आती है तो भाषा का रोल केवल एक टूल का होता है या एक भाषा का अपना एक कैरेक्टर होता है? तो क्यों मुझे आपके उपन्यास कभी नहीं लगे कि ये हिंदी के उपन्यास नहीं है? मेरी हिंदी खुद इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं शायद सोचती हिंदी में हूँ, मैं कोई अंग्रेज़ी ऑडियंस के लिए नहीं लिखती हूँ। और जो भाषा तो एक वस्त्र है, उसके अंदर जो अर्थ है वो तो सार है, तो वो तो कहाँ जाएगा। और साथ में ये भी कि अनुवादकों को एनकरेज करना और उनके साथ पूरी आत्मीयता के साथ काम करना, यहाँ उर्मिला जी भी हैं हमारे साथ। तो नमिता जी ने सिर्फ लेखन पर फोकस ना करके अनुवादकों का भी एक इकोसिस्टम बनाया है। तो मुझे लगता है वो अनुवाद इसलिए भी इतने खिल के आते हैं कि एक लेखक जब ये समझता है कि उसकी किताब एक अनुवादक के पास चली गई तो वो उससे दूर हो जाते हैं, अनुवादक को अपना काम करने देते हैं। हाँ उर्मिला जी नमस्ते। माय क्वेश्चन इज़ फॉर नमिता मैम। यस माय क्वेश्चन इज़ फॉर नमिता मैम। मैम यू सेड दैट आपको लगा कि एज अ राइटर यू नीड टू स्टॉप ऑब्जर्विंग सो दैट यू कैन असिमिलेट विद द वर्ल्ड आउटवर्ड्स। मुझे मैम ये पूछना है आपको ऐसा क्यों लगा, बिकॉज मुझे भी आजकल ऐसा लगता है दैट आई एम क्वाइट आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं एकदम से हर सिचुएशन में अडेप्ट नहीं कर पाती बीइंग अ राइटर, और ये कभी कभार मेरे लिए बहुत एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो मैम अगर आपको ऐसा लगता है तो देयर मस्ट बी समथिंग विच इज़ कॉमन विद द राइटर्स। देखिए हमारे सामने प्रकाशक बैठे हैं, वो बता देंगे आपको राइटर्स आर ऑड क्रीचर्स, वो तो है ही कि सब लेखकों में कुछ तो होता है, मगर एक डिस्टेंसिंग होती है, उसमें फ़ायदा भी है और उसमें ज़रा ड्रॉबैक्स भी हैं, तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। वही बैलेंस मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों नहीं लिखूं। आखिरी सवाल ले रहे हैं। सर मैं जब ये आपका अनुवाद सुन रहा था सौरभ सर, तो मेरे रोंगटे कांप गए, क्योंकि भाई साहब अनुवाद मेरा नहीं, मेरे परम पूज्य गुरु प्रोफेसर पुष्पेश पंत और प्रभात रंजन जी का है जी। मैं तो बस पढ़ रहा था। मैं जब 16 साल का था तब मैं पहली बार फॉर्मली लिटरेचर से JLF में ही अनुवाद हुआ था। आज एक पैनल में एक इंसान बैठा, उसको मैंने अपनी सेल्फ पब्लिश बुक दी है, तो जो वो सोशल करंट होता है वो आई थिंक मैम ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर कमिंग टू JLF। इन्होंने भी यहाँ किताब लिखी, इनके लिए तालियाँ। आखिरी के 2 मिनट बचे हैं और इसमें नमिता जी बस क्योंकि ये प्रेम पत्र है तो यहाँ पर जितने भी युवा साथी हमारे आए हैं उनके नाम कुछ 2 शब्द आपसे मिल जाएं। प्रेम पत्र जो पब्लिक कर दिया गया है, जो पब्लिक बड़ी हिम्मत का काम होता है। बड़ी हिम्मत का काम। आई लव यू JLF, और क्या कहूँ मैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और मेरे सामने राम प्रताप जी और ज्योतिका, उनके साक्षात हमारे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से शुरू से जुड़े हैं। तो अगर प्रेम पत्र चाहिए तो आप दोनों लोग खड़े होइए और मैं फिर हम आपके लिए ताली बजाते हैं। प्लीज़ जयपुर। जयपुर नामा फुल सर्कल बुक स्टोर पर उपलब्ध है। नमिता जी हमारे बीच हैं, आप ज़रूर किताब देखें, पसंद आए तो नमिता जी तक ले जाएं और उनके हस्ताक्षर ज़रूर ले लें। और मंचासीन सभी हमारे वक्ताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस किताब के लिए हमारे साथ आए। बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहिए, अगला सेशन बस 10 मिनट में।